सितारगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सोमवार को रात्रि में सितारगंज कोतवाली के अंतर्गत सरखड़ा पीलीभीत बैरियर में चेकिंग के दौरान व्यक्ति के 7,30,000 रुपए की नकदी बरामद की है। चुनाव से ऐन वक्त पहले पुलिस के हाथ कैश का बड़ा जखीरा हाथ लगा है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सितारगंज पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब सरखड़ा पीलीभीत बैरियर पर चेकिंग के दौरान वाहन को पुलिस टीम द्वारा रोका गया। गहन पूछताछ व वाहन तलाशी के दौरान उक्त व्यक्ति से 7,30,000 की नकदी बरामद हुई। उक्त व्यक्ति से जब पुलिस की चेकिंग टीम ने बरामद रुपयों के कागजात तलब किए तो कोई वैध कागजात दिखाने में असमर्थ रहा, जिसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मानती हुई चेकिंग टीम ने बरामद नकदी को कब्जे में लेकर सील कर दी। मेरे द्वारा सरकार बैरियर पर पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद मिले। बरामद हुए जिनके उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था, उनसे पूछा गया कि रुपये कहाँ से लाए तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगी हुई है इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है और चटकारी गणों को सूचना। इनका नाम राकेश कुमार चौबे है और ये बसंत गार्डन किच्छा के रहने वाले। सितारगंज से अश्विनी दीक्षित की रिपोर्ट।